नमो नुवे सौरियंतानं नमो नुवे सौसुदानं नमो नुवे सौवायिर्यानं नमो नुवे सौजायनं नमो नुवे सौत्रिकावर्ति सावनं ओंकारमिन्दु संयुक्त नित्यं जयन्ति योगिनं कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः मंगलम भगवान मंगलम गौतम मंगलम कुंकुंडारी उजेन्द्र मोक्ष मंगलम नमस्म स्थान स्वानु भूत्याचास्ती स्वाय भवाय सर्वाव निरुदाता पहला थोड़ा भाग नहीं है बाकी है ना पहला ना बाकी है पीछे है थोड़ी एक लेटी फिर एक कलाक लिया थोड़ा लेते हैं ज्ञान संजय ने उसने कहा बहुत सूक्ष्म बात अपूर्व है क्रमबद्ध जो कहा ये दरेक द्रव की पर्याय जो समय जब होने वाली है ये होगी और पीछे समय में होने वाली ये होगी उसमें कोई द्रव अपनी पर्याय में भी फेरफार कर सकते नहीं तो जब प्रत्येक द्रव अपनी पर्याय को भी फेरफार आधार नहीं कर सकते नहीं तो परद्रव से उसमें पर्याय हो ये तो है ही नहीं यहाँ पर कर चला कर्ता कर्म की मन निरपेक्ष दया प्रत्येक पदार्थ वर्तमान समय में अपना कर्ता नाम स्वतंत्र होकर कर्ता नाम स्वतंत्र होकर वर्तमान पर्याय जो है ये उसका कर्म नाम कार्य है ये कर्ता कर्म की प्रवृत्ति परद्रव की निरपेक्षता है परद्रव निमित्त है तो क्या ऐसा होता है ऐसा नहीं कथन आए दोपहर को कथन आया था ना कि कर्म नो क्षय से हुआ क्षय ये तो निमित्त का ज्ञान कराया है बाकी क्षय केवल ज्ञान जब पर्याय होती है पर निमित्त का अपेक्षा नहीं पर पूर्व की पर्याय की अपेक्षा नहीं ऐसी चीजें बहुत सूक्ष्म अपूर्व प्रत्येक पदार्थ अपना स्वकाल है जन्म क्षण है तो उत्पत्ति काल में अपना समय से पर्याय उत्पन्न होती है ये आगे पीछे भी होती नहीं अने पर से तो होती पर की अपेक्षा ही नहीं जो पर्याय अपने समय में होने वाली है ये सत है चाहे तो विचार हो कभी कराए तो अविकार की बात है पांच षटकार का परिणमन में विकृति है उसे रहित होना ये अपना स्वभाव का गुण है षटकार रूपे विकृत अवस्था जो पर्याय में होती है उससे रहित होना ऐसा अपने में क्रिया नाम का गुण है भाव नाम का क्रिया बेमाधिक शुद्ध है ऊपर से रहित होना वो अपना गुण है राज से होना वो अपनी अपनी गुण से दिशा नहीं यहाँ तो कहते हैं कर्ता कर्म की अन्य निरपेक्षा जो समय जी द्रव की पर्याय होती है उसमें अन्य द्रव की अपेक्षा नहीं केवल ज्ञान होता है तो कर्म का क्षय की अपेक्षा नहीं क्षय हो क्षय की व्याख्या कर्म रूप परिणमन जो है ये दूसरे समय अकर्म रूप हो वो क्षय क्षय का नाश होता है कोई ऐसी चीज नहीं है
कर्म रूप पर्याय था वो कर्म हो वो कर्म का क्षय कहने में आया है। तो ये कर्म का क्षय के भी अपने में केवल ज्ञान उत्पन्न होने में कि सम्यक दर्शन उत्पन्न होने में, सम्यक दर्शन उत्पन्न होने में दर्शन मोह का अभाव की अपेक्षा उसके है नहीं। हा तो करना लायक अपनी चीज में है, अपनी पर्याय अपने से है, उसमें पर की कोई अपेक्षा क्या निमित्त है तो हुआ कथन आ रहे उचित निमित्त होता है। प्रत्येक अनादि अनंत पर्याय में जो जो समय जो होने वाली पर्याय है उसमें सामे अनुकूल उचित निमित्त होता है, पर वो उचित निमित्त है तो पर्याय होती है ऐसी अपेक्षा नहीं। समझ में आया, बहुत अपूर्व बात है प्रभु, आत्मा का हित कोई अलौकिक है, ये साधारण को हित हो जाता है। वैराग कहा ना, वैराग वैराग भी तब होता है कि जब अपना पर्याय में अपनी पर्याय सम्यक दर्शन की अपना द्रव्य के अवलंबन से हुई, तब सम्यक दर्शन की पर्याय काल में शुभ शुभ भाव से विरक्त होना ये वैराग है, ये वैराग है। और त्रिकाली ज्ञायक भाव की ज्ञान में प्रतीत होकर अनुभव होना, अनुभव होकर प्रतीत होना, उसमें पर द्रव्य की कोई अपेक्षा के कर्म 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 खसे तो ऐसा होता है, कर्म का उदय आवे तो विकार होता है, ये सब बात झूठ है। शास्त्र में ही कथन आवे तो ये भी झूठ व्यवहार से है। कलश्टी का मैं बहुत बार लिखा है राजमणि, झूठी व्यवहार से, झूठ व्यवहार से कथन है, सत्य नहीं। सत्य व्यवहार तो अपनी पर्याय अपने से हुई, ये भी सद्भुत व्यवहार नहीं है। अपना द्रव्य से धर्म की पर्याय अपना द्रव्य के आश्रय से हुई, ये भी सद्भुत व्यवहार है। निश्चय से तो वो समय की पर्याय उसको द्रव्य गुण की भी अपेक्षा नहीं, निमित्त की अपेक्षा नहीं, ऐसी पर्याय सत है, उसको कोई हेतु की जरूर नहीं। अहेतु है तो इतना शब्द का लेख लग लिया। कर्म करता कर्म की कोई पण द्रव्य नहीं पर्याय तो करता कर्म भिन्न होता है ऐसा नहीं, तेते द्रव्य करता न तेते द्रव्य की अपनी पर्याय ते कर्म नाम कार्य। ये भी करता कर्म ये भी उपचार से कथन है, दो भाग पड़ गया ना। बाकी कर्म ये विकारी निर्विकारी पर्याय धर्म होता है वो अपने से होता है, उसको कोई अपेक्षा ही नहीं, पर की अपेक्षा तो नहीं, पर खरे निश्चय से तो वो सत है, सम्यक दर्शन सत है, ये दर्शन द्रव्य के लक्ष्य से होता है, तथा द्रव्य ने गुण का अपेक्षा उसके है नहीं। आई बात मुश्किल पड़े, समझ में आया? अरे क्या रे समझे बापू, मनुष्य प्रभु अनंत काले मजो छे, एमा आ न समझेगा तो सारा मनुष्यपणा व्यर्थ हो जाएगा, ने कहां जन्मेगा 84 लाख ध्वनि में कोई पता नहीं। ये यही कहते हैं कर्ता कर्म की अन्य निरपेक्ष, अन्य निरपेक्ष कोई अपेक्षा ही नहीं।
शास्त्र में अपेक्षा का ज्ञान तो बहुत आते हैं। तो कहा ये निमित्त है, उसका ज्ञान ज्ञान कराने को कहा। मोक्ष मार्ग प्रकाश में है कि व्यवहार कहा है, निमित्त का ज्ञान व्यवहार कहते हैं, ऐसा है नहीं। मोक्ष मार्ग प्रकाश में सातवां अध्याय में निमित्त कहते हैं, व्यवहार कहते हैं, ऐसा है नहीं। पर व्यवहार निमित्त का ज्ञान कराने को कहा है, दूसरी चीज है उसका ज्ञान। पर दूसरी चीज से दूसरी चीज में कोई हुआ ऐसी कोई अपेक्षा वस्तु का स्वरूप में है नहीं। परमात्मा अपना स्वरूप की ओह पूर्णानंद का नाथ पूर्ण स्वरूप है, उसमें प्रभुता की शक्ति एक एक गुण में प्रभुता से भरी पड़ी है। ऐसा अनंता अनंता गुण ईश्वर शक्ति से प्रभुत्व शक्ति से कोई अपना प्रताप से स्वतंत्रपणे प्रण में ऐसी प्रभुत्व नामनी शक्ति अनंत गुण में प्रभुत्व नामनी शक्ति का रूप है। तो अनंत गुण जितना है उसकी जो पर्याय ये पर्याय में गुण की अपेक्षा नहीं, पर दूसरी पर्याय हुई तो अपर्याय संडक की पर्याय हुई तो सम्यक ज्ञान की पर्याय इसी भी अपेक्षा नहीं। दूसरी पर्याय को दूसरी पर्याय को अपेक्षा नहीं। समझ में आया? क्योंकि सत है, सत है उसका हेतु होता नहीं। बंद अधिकार में लिया है समय साहब, द्रव्य को अहेतु, गुण को अहेतु, पर्याय को अहेतु, द्वंद अधिकार में है। ऐसे यहां कहते हैं समझना प्रभु, ये कोई बात नहीं, ये कोई वाच लिया नहीं। ऐसा कहते हैं, ऐसा कैसा संज्ञान कर लिया, माटी हो समझ गया, ऐसी चीज नहीं प्रभु। कर्ता कर्म की अन्य निरपेक्ष बिल्कुल तृण लोक ना नाचनी, पर अपनी पर्याय में अपेक्षा नहीं। भगवान तृण लोक ना नाथ सर्वज्ञ प्रभु, उसकी तो अपेक्षा नहीं अपना सम्यक दर्शन में, पर उसकी वाणी की अपेक्षा नहीं। आ समझ में आया? अने शास्त्र जो बना है उसकी भी सम्यक दर्शन की पर्याय में अपेक्षा नहीं। पुन से भी होता नहीं, पुन से भी अनुकूल निमित्त मिलता है, पुन से भी नहीं। क्यों? पुन का परमाणु जड़ भिन्न है, आने वाली चीज भिन्न है। तो आने वाली चीज को साता का निमित्त है तो आया, ऐसी अपेक्षा नहीं है। शरीर में निरोगता हुई तो इस सरोगता का व्यय हुआ तो उसमें सातावेदनी का निमित्त इसके निमित्त हो, पर उसकी अपेक्षा नहीं। एम भगवान त्रिलोकनाथ का दर्शन करने से शुभ होता है, ऐसी कोई अपेक्षा नहीं। शुभ भाव यहाँ तो शुभ भाव की बात है नहीं, यहीं तो शुभ भाव के काल में जो जानने की पर्याय अपनी है, ज्ञाता दृष्टा की पर्याय है, उसमें शुभ भाव की अपेक्षा नहीं। यानी शुभ भाव में भगवान की वाणी ने भगवान की अपेक्षा नहीं। आरी वास आ तो निवृत्त तत्व है, प्रभु अंदर तो निवृत्त तत्व है। निवृत्त तत्व समझे, कोई में राग की प्रवृत्ति आदि उसका स्वभाव है ही नहीं। पर द्रव्य से तो निवृत्त है, पर राग दयादान देवगुरु शास्त्र की श्रद्धा का राग उससे भी निवृत्त तत्व है।
સાચી વાત ભાઈ. છતે વ્યવહાર આતે હૈ, વ્યવહાર આતે હૈ તો વ્યવહાર કી અપેક્ષા નીચે કે હૈ નહીં, અને વ્યવહાર આતા હૈ તો શબ્દ મેં એસા આવે કે જ્ઞાની કો જબ ન કર્મ કા જોર હૈ તો રાગ આગે આ જાતા હૈ. અર્થમે લિખાયા ને દો ઠેકાને મેં શ્રેચંદ પંડિત હેમદાસ धर्मी को अपना स्वरूप का प्रतीत अनुभव सम्यक दर्शन स्वद्रव्य का अवलंबन से हुआ ऐसा कहने में आता है, पर उसमें भी सम्यक पर्याय हुई ये षटकारक से प्रेमन करते हैं. षटकारक में कर्तापणा की बात है पर्याय में, तो इस स्वयं कर्ता स्वतंत्रपणे द्रव्य का लक्ष्य करते हैं, ये स्वतंत्र बने करते हैं. ऐसी कर्ता कर्म षटकार की प्रणति जो पर्याय में होती है उसमें पर की अपेक्षा तो है ही नहीं, तो उसका द्रव्यगुण की अपेक्षा नहीं. कल तो दृष्टान दाखला बोलता दिया था, हाँ तो ज्ञान सिंह के थोड़ा कम का हमारा दो दिन साहे नहीं है. अन्य द्रव्य से निरपेक्ष होया अर्थात स्वद्रव्य से ही सिद्धि होने से अपनी पर्याय में स्वद्रव्य से सिद्धि होने से इस स्वद्रव्य की पर्याय का काल है, जन्म क्षण है. प्रवचन सार में 99 गाथा में हार का दृष्टांत दिया है, हार हार तो जे क्षेत्र में जो मोती है त्या क्या है. हाँ, 108 मोती जे स्थान में मोती त्या है, आगा पीछे नहीं, आगा पीछे करेगा तो हाथ टूट जाएगा. एम भगवान आत्मा में जो समय जो पर्याय होगी यही होगी, आगे पीछे नहीं, आगे पीछे करने जाएगा द्रव्य की दृष्टि टूट जाएगी. द्रव की दृष्टि टूट जाएगी, द्रव क्या टूट समझ में आया. और ये बात है बापू, थोड़ा तो ज्ञान सिंह जी ने सुनाने का कब तो एक कलाक लिया था एक लेटी. गजब बात है बापू, आप तो अपूर्व बात है. आ कोई पक्ष नहीं बात के संप्रदाय नहीं बात नहीं. हाँ 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 यहाँ तो ऐसी अपेक्षा कह कभी वही त्रिलोकनाथ में असंख्य प्रतिमा जिन प्रतिमाओं जिन मंदिर असंख्य है, तो इंद्रो भी दर्शन करते हैं. संकीर्ति संकीर्ति शाय संकीर्ति, तो ऐसा विकल्प आता है तो लक्ष्य त्या जाता है. ऐसी वस्तु की स्थिति है. एक बाजू कहना कि भगवान की प्रतिमा आदि को भी, अरे देवगुरु ने वाणी की सच्ची वाणी है उसकी भी पर्याय ने अपेक्षा नहीं. दूसरे दिन एम कहना कि अपना सम्यक दर्शन अपने से हुआ तो भी शाश्वत जिन प्रतिमा है उसका दर्शन क्षाय संकीर्ति करते हैं. ये विकल्प के काल में विकल्प आता है, ये विकल्प उससे हुआ ऐसा नहीं. जन्म से इंद्र जब जन्मे पहले सिद्धांत में ऐसा लक्ष्य है, एक अक्षर भी फेरफार हो जाए शास्त्र का तो दृष्टि विपरीत हो जाती है. इंद्र जब पहले जन्मते हैं तो पहले प्रतिमा भगवान की प्रतिमा पास दर्शन करने भी जाते हैं, ऐसा सिद्धांत पास है. एकावतारी एक भवतारी सम्यक दृष्टि हो. जब जा जन्मते हैं, जन्म तक करता मैंने कहीं माता है नहीं, फूल नहीं सैया है उसमें एकदम उत्पन्न हो जाए, अंतर्मूर्त में जुवान शरीर जैसा शरीर उत्पन्न हो जाता है फूल नहीं सैया में एकदम से.
ऐसा क्षय संकेती जीव हो तो भी तरत कहते हैं तैयारी करो, भगवान की मंदिर में दर्शन जाना है। हा ऐसा सिद्धांत प्राप्त है शास्त्र में, एक पण अक्षर फेरफार करना न्याय से दृष्टि विपरीत है। समझ में आया? तो इंद्र भी आकर तैयारी करो। देव हाथी ना रूप धारण करे, इंद्र रूप बैसे ऊपर हाथी नो रूप गहरा होता था, और भगवान का दर्शन करने को सारी देव करोड़ों देव साथ में लेकर जाते हैं। और एक ऐसे हैं तो भी वो भाव आया, ये पुनबंद का कारण है, ये आया बिना रहे नहीं, अने धर्म स्वरूप नहीं। समझ में आया? धर्म नहीं मायते आया बिना रहे ऐसा नहीं। सम्यक दृष्टि को क्षाय संकेति को तीर्थंकर क्षाय संकेत लेकर कितना आते है शांति महाराज। सनरे हजार का लगन करते हैं, दर रोज एक एक दिन में सैकड़ों रानी लगन करते हैं, तीन ज्ञान में क्षाय संकेत ये चारित्र का दोष है। जब लग वितराकता न हो तब लग ऐसा राग आता है, पर आता है धर्म है ऐसा नहीं। यहां तो यहां भगवान ने भक्ति करी स्तुति करी धर्म हो गया, धूड़ में ये धर्म नहीं सुनने, धूड़ में नहीं इसलिए ये पुण्यानुबंधी पुण्य भी नहीं, ये तो पापानुबंधी पुण्य है वो। और संकेति की पूजा भक्ति में राग ये पुण्यानुबंधी पुण्य है। आत्मा बदो फिर है, समझ में ये यहां कहने में आता है। सदृश ही सिद्धि होने से जीव के अजीव का कर्तृत्व तो सिद्ध नहीं होता, जीव ने अपने शिवाय पर का कर्तृत्व तो करना रचना पर को ऐसा सिद्ध नहीं होता, इसलिए जीव अकर्ता सिद्ध होता है। सर्वाला क्रमबद्ध में अकर्ता सिद्ध होता है, आ कारण से अपनी पर्याय क्रम सर्वोत्य है मां पर की अपेक्षा नहीं, ये कारण क्रमबद्ध में अकर्ता सिद्ध होता है। ऊपर अकर्ता कहा है, ऊपर ऊपर ले माते ही नहीं आए। आत्मा का कर्तव्य तो दृष्टांत पूर्वक कहते हैं, ऊपर शब्द है पहला, ये अकर्तव्य सिद्ध किया आ तो आत्मा दिन है आज। शनिवार से शुरू किया नहीं, आज शनिवार है। पार नहीं प्रभु, एक गंभीरता का पार नहीं, वितराजनी वाणी ने उसका भाव सामान्य प्राणी नहीं समझ सका। हम मलारगढ़ गए थे तो एना मानसो छे एकदम मूर्ति नो विरोध नो गवा मड्या, अमन देखी ने मलारगढ़, कारण के लोग मूर्ति ने माने नहीं, मूर्ति पाए जाए नहीं ने, एटले बोला गाणा एकदम मूर्ति विरोध गया, पण भगवान दास कई बंद कर दिया। या एकांत हो जाता है कहां उसकी खबर नहीं लोगों को, तो प्रचार ऐसा है क्या? मूर्ति नहीं मूर्ति नहीं, मूर्ति है नहीं प्रतिमा है नहीं है, आए तो के असंग प्रतिमा असंग मंदिर है शाश्वत। ये मंदिर है तो उससे शुभ भाव होता है ऐसा नहीं, अने वो है तो शुभ भाव अपनी कमजोरी से वितराग जब न हो तब शुभ भाव आया भी ना रहते नहीं, छता वो शुभ भाव धर्म नहीं, अने वो धर्म का कारण नहीं, अन निरपेक्ष
राज का अपेक्षा बिना संगत दर्शन की पर्याय उत्पन्न होती है। जेनीवाद भाई आई कोई पक्ष नहीं वाला नहीं आई तो त्रण लोक नो नाथ सिमंदर स्वामी भगवान फरमाते हैं ये बात है। आहा शू कहे शू करे समझ में आया। इसलिए जीव वो पहले शब्द कहा था कि अर्थ अकर्तापना हम दृष्टांत पूर्वक सिद्ध करते हैं तो क्रमबद्ध में अकर्तापना सिद्ध किया। भावार्थ सर्वद्रव्यों के परिणाम भिन्न भिन्न है यह मेरा जी कहते हैं अर्थ करना अपनी भाषा सादी भाषा में सर्वद्रव्यों के परिणाम भिन्न भिन्न है। सभी द्रव्य अपने अपने परिणामों के करता है। वाणी का कर्ता भी आत्मा नहीं प्रभु वाणी जब होती है ये अपने स्वकाले वचन वर्गना में भाषा प्रणय प्रणना ये काल से भाषा होती है। समझ में आया आत्मा से नहीं। हाँ तो बोलते बोलते अहंकार आ जाए तो मैं कैसा बोलता हूँ मैं कैसा लोगों को सुनाता हूँ। अरे प्रभु सब द्रव्य का परिणाम उसका स्वतंत्र है तो तेरे भाषा से उसका परिणाम आता है और भाषा की पर्याय तेरे से होती है। बहु काम बप्पा को हाँ तो तृणलोक नानाथ सिमंदर परमात्मा उसकी वाणी है। संतों वाड़तिया होकर ही बात करते हैं त्या गए थे भगवान गए थे कुमकुम आचार तो कहते हैं सभी द्रव्य अपने परिणामों के कर्ता उन परिणामों के कर्ता है वे परिणाम उनके कार्य है। देखो ये द्रव्यनु जो परिणाम ते समय होने वाला हुआ उसका कर्ता वो द्रव्य कहा यहाँ जी इतना भी भेद है नहीं तो परिणाम का कर्ता परिणाम ही है। समझ में आया। जब 62वीं था 85 का है विकार का परिणाम षटकारक से अपने से होता है अपने कर्म की अपेक्षा नहीं विकार अपने से स्वतंत्र पर्याय में होता है। ऐसा पर्याय का स्वभाव ऐसा है उसको पर की अपेक्षा नहीं तो विकार का षटकार का परिणाम में पर की अपेक्षा नहीं तो निर्विकारी सम्यक दर्शन ज्ञान आदि परिणाम आ तो धर्म ही पहली शेरी बापू या आखिरी बात है ये सम्यक दर्शन ने सम्यक दर्शन नहीं करता कौन ने अनुकार कौन ने कैसे होता है दशा कैसी है ये बिना सब मीडा है। सम्यक दर्शन बिना परिमाण साधुपणा ने चय मूल्य पंचमावर्त ने सब संसार है सब संसार है। शुभ भाव को संसार कहा है यहाँ कहते हैं परिणाम उसके कार्य है परिणाम का कर्ता ते द्रव्य है और वो परिणाम ते उसका कार्य कर्म है। कर्ता राग ने निर्मल पर्याय संकेत कर्म ऐसा है नहीं। समझ में आया। निश्चय से किसी के साथ निश्चय से यथार्थ से वास्तव में किसी का किसी के साथ कर्ता कर्म संबंध नहीं। भगवान की वाणी कर्ता निशाना श्रोता को ज्ञान होता है ऐसा कोई है ही नहीं है कहते। अरे अरे आ बात कबूल करूंगी। हा तुम शांत मार्ग वितरा का है।
श्रीमद कहे छे एक वार वचनामृत वितरागना शांत पर भरम शांत रसमो औषध जे भव रोगना पण कायर ने प्रतिकूल रे गुणवंता रे ज्ञानी ए अमृत वर्षा रे पंचम काम वचनामृत वितरागना अने परम शांत रसमो परम शांति राग रही शांति ये वितरागना वचन नो सार है। औषध जे भव रोगना ये वितरागनी वाणी में भाव कहा ये भवना रोग ने नाश करने की बात है। औषध जे भव पण कायर ने प्रतीक हो शास्त्र तो त्याग कहा है कि शुभ भाव का रुचिवंत है नपुंसक है पावैया हिजड़ा है अपना पुरुषार्थ की उसको खबर नहीं। दो तीन ठिकाना है समय सार में क्लीब क्लीब संस्कृत में है क्लीब नपुंसक शुभ भाव की रचना करने वाला और शुभ से धर्म होता है सामान्य वाला नपुंसक हिजड़ा है पावैया है ऐसे क्या कहते हैं आप समय साहब ने लिखा है क्या हाँ समय साहब नहीं है बताना नाम बताना है आप समय साहब है कि नहीं 43 है क्या था पहले 43 કેટલા મેં 43 ગાથા મારા થઈ દેખો એ અહીંયા પામા તો બાકી હે 43 ગાથા પીછે હસકા પીકા 41 42 43 ગાથા ઉસકી ટીકા આ જગત મેં आत्मा का असाधारण लक्षण जान न जानने से कारण नपुंसकता के कारण अत्यंत मिमिड़ू होते हुए अजय दूसरे ठिकाने भी है आप है 41 42 43 गाथा उसकी टीका पहली सौरा टीका आए हस क्या क्या है आज जगत में आत्मा का असाधारण लक्षण ये तो जानना देखना भगवान आत्मा है उसका लक्षण तो ये है कोई राग करना ऐसा है नहीं और शुभ राग करने से धर्म होता है ऐसा उसका लक्षण भी नहीं लक्षण न जानने के कारण नपुंसकता के अत्यंत विमूढ़ होते हुए है कि नहीं श्लोक पाना फिर हो गया आया हिंदी आली हिंदी है बाकी पाना है हिंदी की कन पहली नीति है दूसरे ठेकान है पर हाँ ये तो एकदम नमूना बस है तेने खबर है दूसरे ठेकान पर अहिया एक वर्ष 154 पाना गाथा सामायिक में है वो कि सामायिक सामायिक का पाठ है ना उसमें है 234 पेज हाँ हाँ या निकले ये बधु बताए भी बात क्या नवा नहीं है बहुत बताया पहले क्या आया
કિન્નર નહી ને એટલે ખબર નહી. 157 કેટલી 54 ગાથા 154 એ સમય કે અમે આપણે હિન્દી કહે ને તો ચિન્હ નહીં ક્યાં હે જો હજુ ઉસમાં હૈ 154 સમસ્ત કર્મો કે પક્ષ કા નાશ કરને સે 154 કી ટીકા સમસ્ત કર્મો કે પક્ષ કા નાશ કરને સે ઉત્પન્ન હોને વાલા નિસ્વરૂપ કી પ્રાપ્તિ આત્મલાભ સ્વરૂપ મોક્ષ કો ઇસ જગત મે કિતને જીવ ચાહતે હુએ ભી મોક્ષ કે કારણભૂત સામાયિક કી જો સંગત સંજ્ઞાન ચારિત્ર સ્વભાવ વાળે પરમાર્થભૂત જ્ઞાન કી ભવન માત્ર હૈ સામાયિક ને સંગત દર્શન તો આત્મા કા ભવન આત્મા સ્વરૂપમાં પરિણમન હૈ હૈ એકાગ્રતા લક્ષણ યુક્ત હૈ ઓર સમયસાર સ્વરૂપ હૈ ઉસકે પ્રતિજ્ઞા લેકર ભી પ્રતિજ્ઞા લેતે હૈ કે હમારે સમય કરના મોક્ષ માટે પ્રતિજ્ઞા લેકર ભી હૈ દુરંત કર્મ ચક્ર કો પાર કરને કી નપો સકતા એ શુભ સે પાર હોના એ નપો એ નહીં કરતે શુભ માં રહેના એ નપો શકે ક્યો આત્મા મેં એક વીર્ય નામ કા ગુણ હૈ 47 સંચી પીછે તો વીર ગુણ કી કાર્ય ક્યા ભગવાન ત્યાં કહેતે હૈ કે અપની સ્વરૂપ કી રચના કરે તે વીર્ય રાગ કી રચના કરે તે નપુંસક હૈ બધા નપુંસક રહે ભગવાન ક્યાં ખબર થોડું થોડું નવું આવ્યું હો હે અંદર અપને સામાયિક કી પ્રતિજ્ઞા કરે કે મારે 9 કોટી ત્યાગ રાખતા અને મારે ધર્મ પણ શુભ ભાવ સે હટના એ નપુંસકતા હૈ હટતે નહીં નપુંસક ત્યાં શુભ ભાવ મેં રૂક જાતે હૈ અને આત્મા મેં વીર્ય નામ કા ગુણ હૈ એ ગુણ મેં પીછે લખાણ હૈ શક્તિ મેં સબ આધાર દેવા જવાબ લાગે વીર્ય ગુણ કા કાર્ય ક્યાં કે અપની શુદ્ધ પવિત્ર જે શક્તિયા અનંત હૈ ઉસકી પર્યાય મેં રચના કરના વીર્ય સે શુદ્ધ કી રચના કરના વો વીર્ય ગુણ કા કાર્ય હૈ સ્વરૂપ કી શુદ્ધ રચના કરના એ વીર્ય નામ આત્મા કા પુરુષાર્થ વીર્ય રીત હૈ પુત્ર પુત્રી હોતા તો જળ માટી ધૂળ વીર્ય પ્રેત હૈ આ આત્મા મેં પુરુષાર્થ નામ કા એક એસા વીર્ય હૈ ગુણ જે અપની અનંતી શક્તિ ગુણ નિર્મળ હૈ પવિત્ર હૈ ઉસકી પર્યાય મેં રચના કરે રાગ કી રચના નહીં છતાં જ્ઞાની કો રાગ આતે હૈ પણ રાગ કા કર્તૃત્વ મેરા હૈ રાગ મેં કરને લાયક હૈ એસે નહીં એક વાત છતાં દૂસરી વાત એસે ભી હૈ કે જ્ઞાની કો રાગ આતા હૈ ભક્તિ આદિ કા તો એ પ્રણમન હૈ તો રાગ કા કરતા મેં હું એસે ભી માનતે હૈ નહીં કે અધિકાર મેં આતા 47 નહીં કરને લાયક હૈ એસે નહીં પણ પરિણમન હોતા હૈ કામ સે કરતા કહેને મેં આ ભી અપેક્ષાઓ પ્રભુ પ્રભુ પાર ન મળે વિતરાગ મહારાજ ગંભીર 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 ઉસકા એક એક પદ ને એક એક શ્લોક સમજના બહુ અલૌકિક બાત હૈ બાપુ એમને પડ જાય ભણી જાય
समयसार एक जना कहते महाराज स्वामी जी आपको समयसार का बहुत प्रसिद्ध करते भगवान, तो हम तो 15 दिन में समयसार बांस लिया। अरे भाई एक नीति समझना, एक गाथा ने एक पंक्ति समझना अलौकिक है बाप। कहते हैं कि जे कोई अपना स्वरूप में प्रतिज्ञा करके तो हम समाय करना है और समाय से मेरे मोक्ष का कारण है, ऐसी प्रतिज्ञा लेकर भी स्वभाव से हटते नहीं और अपनी प्रतिज्ञा प्रमाणे समीप सम्यक दर्शन ज्ञान चरित्र की प्रणति करते नहीं, राज की प्रणति में पड़ा है। नपुंसक है, पाविया है, हिजड़ा है, जैसे नपुंसक को वीर्य होता नहीं तो पुत्र होता नहीं पुत्र पुत्री, एम शुभ भाव नपुंसक है, शुभ भाव में से धर्म की प्रजा उत्पन्न होती नहीं। अरे भारी भाई आप आखिरी सदा ज्ञानी को भी शुभ भाव आता है, जानते हैं कि मेरी कमजोरी है, हमारा मुंह वीरी है उसका कार्य नहीं, मेरा पुरुषार्थ जो है अंदर उसका कार्य नहीं, क्योंकि वीर्य तो पवित्र है अंदर की का वीर्य गुण अनंत गुण सब पवित्र के साथ में वीर गुण पवित्र है, तो पवित्रता का तो पवित्र की रचना करे ही कार्य है, राग की पर्याय में उत्पन्न होता है मेरा पवित्र का गुण का पुरुषार्थ का वीर का कार्य नहीं। जीणी बात है भाई, थोड़ी आ गया हमें ज्ञानचंद जी आया ना फरी वार थोड़ू लियो तो कहीं जी नू आवे फरी वार हूं कहीं भाई तो आने वाला वही आवे यहां किसी के साथ करता है कम संबंध नहीं, इसलिए जीव अपने ही परिणाम का करता है और अपने परिणाम कर्म है, इसी प्रकार अजीव अपने परिणामों का करता है और अपने परिणाम कार्य कर्मेट कार्य, इसी प्रकार जीव दूसरे के परिणामों का अकर्ता है, ये सिद्ध किया। इस प्रकार जीव अकर्ता तथापि बंद होता है या अज्ञान की महिमा है, इस अर्थ का एक कलश कहते हैं, कलश है उसका अच्छी बात है, एक कलश लीला। अकर्ता जीवो यम स्थित इति विशुद्ध स्वर सत स्वरत चित ज्योति आहा अभी सुतिर भुवना भोग भवन तथापि असो सात ई साद यद ये किल बंद प्रकृति भी स खलु अज्ञान स्फूर्ति महिमा कोपी महान गहन आहा। स्वरस विशुद्ध निर से विशुद्ध है भगवान तो अपनी शक्ति अपना रस अपना स्वभाव से तो पवित्र प्रभु आत्मा है, है? निज रस से विशुद्ध और स्वरत चित ज्योति भी छुरित भुवन भोग भवन किसकी परायमान होती हुई क्या कहते हैं कि भगवान तो शुद्ध चैतन्य घन विशुद्ध है और उसमें जो पर्याय प्रकट होती है ये तो स्वरायमान होती है, ये तो पवित्रता होती है। जो स्वभाव सर्वज्ञ स्वरूपी है जरी सूक्ष्म बात, सर्वज्ञ स्वभाव है दरेक रूप में उसका रूप है, तो कितना बहुत विचार किया था पर हमको बराबर बैठी नहीं, भगवान की वाणी की इतनी बात दरेक का बहुत विचार किया है, तो सर्वज्ञ नाम का स्वभाव है पाठ ऐसा है कि प्रत्येक गुण में उसका रूप है, वो अंदर पकड़ाता नहीं पकड़ाता नहीं बापू से है हम कही बापा है पर बहुत सूक्ष्म विचार करते हैं कि सर्वज्ञ है ये प्रत्येक गुण का उसमें रूप क्या तो रूप कहा है चिद विलास रूप कहा है कहा अस्तित्व गुण का रूप स्वमित्व गुण का रूप वो तो ख्याल में आ जाता है,
जेम ज्ञान है तो अस्तित्व गुण भिन्न है। ज्ञान गुण है अस्तित्व गुण से है ऐसा नहीं, अस्तित्व गुण भिन्न है क्योंकि द्रव्याश्रय निर्गुणा गुणा उमा स्वामी नु सूत्र है तत्वा सूत्र। द्रव्याश्रय निर्गुणा गुणा गुण नहीं आश्रय गुण नहीं, गुण का आश्रय द्रव्य है। तो कहते हैं कि यहाँ चैतन्य ज्योति प्रकट होती है, स्वरायमान होती है, ये है जो गुण सर्वज्ञ आदि स्वभाव ये पर्याय में प्रकट होता है, कोई की अपेक्षा से नहीं, कोई के कारण से नहीं। है जिसकी स्वरायमान ज्योति हुई चैतन्य ज्योति के द्वारा लोक का समस्त विस्तार व्याप्त हो जाता है। अपना स्वभाव की पर्याय प्रकट होते हैं, सारा लोकालोक को जान लेते हैं, व्याप्त होता है ना रसोई, सारा लोकालोक को जान लेते हैं। कोई चीज को करता तो नहीं पर कोई चीज जाना बिना रहती नहीं। अपने सिवाय कोई चीज का करता नहीं पर अपने सिवाय अनंत चीज में जाना बिना रहते नहीं। आओ स्वभाव से प्रभु बहु आंखों काम भाई विचार तो आएंगे तो आंखों दी ने रंग निवृत्ति है। तो ये लड़न हलता होता है तो घना वक्त है तो सूक्ष्म बात पड़े तो हमको पता नहीं लगता। समझ में आया सर्वज्ञ सर्वदर्शी ये अपना गुण है, तो ज्ञान गुण है अस्तित्व गुण भिन्न है। तो अस्तित्व गुण का ज्ञान में रूप है इस तरह का अर्थ कि ज्ञान है ये अपने से है ऐसा अस्तित्व का रूप उसमें है, अस्तित्व गुण नहीं। समझ में आया भगवान ज्ञान स्वरूपी है, भगवान अस्तित्व स्वरूपी आत्मा, पर अस्तित्व का ज्ञान गुण में वो अस्तित्व गुण के कारण ज्ञान गुण है ऐसा नहीं, अने अस्तित्व गुण का ज्ञान गुण में रूप है, रूप का अर्थ ज्ञान गुण है ये अपने से अस्तित्व से है, अस्तित्व गुण के कारण से है ऐसा नहीं। अरे ये तो बात मतलब जीनी बापी थी। ज्ञान है ये तो जुड़ी बात है, ज्ञान सर्वज्ञ है सब गुण है उसमें रूप है क्या पता नहीं लगता। नहीं बात तो नहीं तो भाई हो कही है कारण के बात तो बहुत सूक्ष्म विचार बहुत ले गया है। एक एक बात में शास्त्र की एक एक गाथा बहुत स्पष्टीकरण करके हम समझे ऐसे मान लेना ऐसा नहीं, भाव में भाषण होना चाहिए। तो परमात्मा ज्ञान है इसमें अस्तित्व गुण है, अस्तित्व गुण नहीं पर अस्तित्व का रूप है ये तो बराबर है, क्यों कि ज्ञान है तो ज्ञान है नहीं है तो उसका है पढ़ा आया अपने से। तो ऐसा एक गुण दूसरा गुण में रूप भले हो पर सर्वज्ञ का रूप क्या है। सूक्ष्म पढ़ते हैं भैया भगवान कहते हैं तो यथार्थ है उसका पार पा में सके नहीं। आए कहते हैं ये स्वरायमान ज्योति प्रकट जब होती है तो लोकालोक को जानती है एम कहते हैं है? समस्त विस्तार प्राप्त हो जाता है ऐसा जिसका स्वभाव है ऐसा तो ऐसा स्वभाव जीव का है। अंदर सर्वज्ञ स्वभाव है ये पर्याय में सर्वज्ञपना प्रगटे ही तो उसका स्वभाव है, प्राप्त की प्राप्ति है अंदर पड़ा है भगवान पूर्णानंद सर्वज्ञ ये पर्याय में सर्वज्ञपना आता है उसमें से आता है। तो ये सर्वज्ञपना में लोकालोक जाने में आता है भले क्षेत्र इतना में है शरीर प्रमाण है सारा आकाश का अंत नहीं, कहाँ आकाश पूरा हुआ कहाँ हुआ
पीछे क्या, उसका भी ज्ञान में आ जाता है, तो आ जाता है मचे आकाश का अंत आ गया, ऐसा है नहीं। अनंत को अनंत रूप से जानने में आया, उसका अनंत को जाना क्या अंत हो गया, समझ में आया। ऐसा यह जीव पूर्वोक्त प्रकार से परद्रव्य ने परभावों का है अकर्ता सिद्ध हुआ। अमृतचंद्र आचार्य क्रमबद्ध टीका भी उसने किया अने उसका पाचा कलश भी उसने किया। क्रमबद्ध का कलश है जे मंदिर बनाकर पीछे कलश चढ़ाते हैं, एम टीका है मंदिर ने कलश है माथे कलश है। अलौकिक बात है, बाप दुनिया से सब वस्तु ऐसी है कि पागल तो ऐसी कहने वाला को पागल कहे सही, परमात्मा प्रकाश में चला है। पागल लोग को ज्ञानी को पागल माने ऐसी या चीज है। अरे वस्तु यहाँ ये कहा कि जे अंदर शुद्ध स्वरूप है और कर्तापणों कैन है, कि ज्ञान ज्योति भगवान पूर्ण स्वरूप उसकी शक्ति में से व्यक्तता पूर्ण जानने की आती है, पर कोई चीज का कर्ता ये है अने कोई चीज से उस पुराय में केवल ज्ञान हुआ ऐसा है नहीं। कर्म का क्षय से केवल ज्ञान हुआ ऐसा है नहीं, ये तो अपेक्षा हो गई, पहले तो कह रहा निरपेक्ष। मुहम्मद मजी क्या सुना है नहीं, क्या पैसा मैं ना बता लूटा ना धंधा लूटा में तो काट लगते हैं, लोहा लोहा है जंग जंग जंग। कहते हैं प्रभु मैं अकर्ता क्यों कहा, क्रमबद्ध में अकर्ता क्यों कहा, कि प्रभु का स्वरूप तो सर्वज्ञ स्वभाव है। ये क्या ना पहले जिन रस से विशुद्ध है, निज रस से विशुद्ध है, अपनी शक्ति से अपने गुण से पवित्र है। पर के कान से नहीं, अपना रस से विशुद्ध है। और जिसकी स्वरायमान ज्योति हुई चैतन ज्योतियों के द्वारा चैतन की प्रकाश पर्याय हुई, वो द्वारा लोक का समस्त विस्तार व्याप्त हो जाता है। ये व्यवहार से बात करते हैं कि एक ज्ञान की पर्याय है, शक्ति है सर्वज्ञ, वो पर्याय में आया तो सर्व लोग को जानते हैं, लोकालोक को जानते हैं, ऐसे भी व्यवहार है। खरेखर तो अपनी पर्याय को ही जानते हैं, लोकालोक तो कोई पर्याय छूते ही नहीं। पर दुनिया ने ख्याल में आवे कि स्वरायमान शक्ति की शक्ति कितनी है, ये माप बताने को लोकालोक जानते हैं बताया। आवी धर्म नी चीज है भाई, सुनता है चैतन्य ज्योतियों के द्वारा, चैतन्य ज्योतियों छो एक पर्याय एक नहीं, अनंती प्रकाश पर्याय हुआ सर्वज्ञ जहां हुआ तो सब चैतन्य की सब शक्तियां प्रकाशमान पूर्ण हो गई। एक चैतन्य की सर्वज्ञ पर्याय जहां प्रकट हुई तो उसके साथ सर्वशक्ति की शक्ति व्यक्तता हो गई, शक्ति की स्वरायमान चैतन्य ज्योतियां जितनी चैतन्य ज्योति है इतनी सब स्वरायमान पर्याय में हो गई। ऐसा यह जीव पूर्वोक्त प्रकार से परद्रव्य ने परम भाव का अकर्ता दिखो
अकर्ता सिद्ध हुआ, तथापि ऐसा होने पर भी प्रभु तो ऐसा है ही। तथापि मुझसे यह जगत में कर्म प्रवृत्तियों के साथ जो ये बंद होता है, अरे रे एवी चीज चैतन ज्योति जौहल ज्योति। देवीलाल जी क्या बैठे हैं? नथी देवीलाल जी नहीं है, कहीं काम होगा है? नहीं है। हाँ तो चैतन्य सुराइमान ज्योति हो तो एक एक ज्ञान सुराइमान नहीं, सर्व चैतन्य की शक्तियां हैं। जब सर्वज्ञपना पूर्ण हुआ इसे सर्व शक्ति की पर्याय में पूर्णता प्रकट होगी। हाँ 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 अरे रे ऐसी वस्तु स्थिति तो पण ये वास जगत में कर्म प्रत्यो साथ बंद होता है। आ हा अरे रे एने क्रम नो बंधन नो कारण के सखलो अज्ञानश कपी गहन गहन महिमा। एक कोई वास में अज्ञान की गहन महिमा। इसका स्वभाव की तो गहन महिमा है पर उसका अज्ञान की गहन मन महिमा ऐसी चीज को बंद होता है। क्या है महाप्रभु चैतन्य ज्योति अंदर शक्ति से सुरायमान वस्तु तरीके में समझ में आया ऐसी चीज है। अनंत चैतन्य शक्तियों से विराजमान सुरायमान चैतन्य ज्योत परमात्मा ऐसी चीज को बंद प्रकृति का होता है। अरे रे यार क्या होता है कहते हैं, एम कहते हैं कर्म प्रति के साथ प्रगट बंद होता है। यह वास में अज्ञान की कोई गहन महिमा। अरे रे अज्ञान समझाना ये कहेगा ऐसी चीज में अज्ञान की कोई गहन महिमा के उसको कर्म की प्रकृति बंद पड़ती है। जेमा अनंती ज्योति ज्योति स्वरायमान अंदर प्रगट है अंदर एक नहीं पर अनंत चैतन्य ज्योति प्रकट है। ऐसा परमात्मा अपना स्वरूप उसको कर्म बंधन प्रकृति का हो एक कोई अज्ञान की महिमा है। वस्तु का स्वरूप का भान नहीं अज्ञान की गहन महिमा। पार न पामे ऐसा अर्थ लिखा है टीका में गहन ऐसी पार न पामे पार तो पामी जाते संकेत ऐसा अज्ञान की गहन महिमा के ऐसी चैतन्य सुरायमान अनंत शक्ति का पिंड प्रभु उसको कर्म बंधन हो ये कोई अज्ञान से है। अज्ञान की गहन महिमा है ये अज्ञान का नाश आत्मा का स्वभाव के आश्रय से हो सकता है।